चलो भाई देखो अपने क्या करता है। और इन्होंने कहा कि उन केसेस के अंदर उन्नाव कठुआ और कठुआ और तमाम में एंगल पॉलिटिकल था। मैं पूछना चाहता हूँ अंकिता भंडारी में कौन सा एंगल था? अंकिता भंडारी का केस जो था उसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री बोल सकते हैं? थोड़ी हिम्मत है उनके अंदर? तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप सबके लिए एक बढ़िया से आलोक वर्मा जी का जो गोद मीडिया को अच्छे खासे देंगे, वीडियो को देना करते हुए जो काफी सीरियस मैटर पे बात कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विपक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि अंकिता भंडारी का नाम लेने की किसी के अंदर हिम्मत है? क्या अंकिता भंडारी को न्याय मिल गया? क्या अंकिता भंडारी का जो मर्डर था, रेप था, वो विभत्स नहीं था? आपको ये तो लगता है कि कलकत्ता के अंदर जो वहाँ पर उपद्रवी तत्व थे उन्होंने सबूत मिटाने का प्रयास किया? अंकिता भंडारी में तो SDM ने उस पूरे रिजॉर्ट को गिरा दिया और आज तक देश को नहीं पता चला कि वो सीनियर लीडर, वो बड़ा लीडर RSS का, BJP का कौन था? अगर हिम्मत है तो उसका नाम बता के जाइए। रांची जी, अंकिता भंडारी केस के मैं फिर ये बात कहना चाहूंगा जो ये कहना चाहते हैं, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इसी हिंदुस्तान में वो दौर हुआ जब कहा गया कश्मीर में हिंदुओं चले जाओ, अपनी लड़कियों को छोड़ जाओ। फिर हिंदू को सुनिए, अंकिता भंडारी पर मतलब ये इतने सीरियस मैटर पे बात कर रहे हैं। कोलकाता में जो रेप केस हुआ उसको छोड़कर ये हिंदू मुस्लिम जिन्होंने काफी कर रखा है इसमें, ये काफी बेकार राजनीति करते हैं। बात हो रही वो नहीं करेंगे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? बीस मिनट आपकी बात शांत हो जाएगा। पूरा बात कर रहे हैं मतलब प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बारे में नहीं बोलेंगे, कितने रेप केस के कुछ नहीं बोलते, इनके बारे में तो कुछ कहना ही गलत है। अरे सुनिए, वो तो नैना साहनी बताइए ना भाई, से लेके भवरी नैना साहनी वाला आगे, मैं दूसरी नैना साहनी वाला व्यक्ति। अरे आप बीच में क्यों बोलते हैं आलोक जी? अच्छा, आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने केरल की विधानसभा में खड़े होकर लव जिहाद की बात कही और आप लोग आगे दिल्ली में इसके विरोध में बोलते हैं। कितना राजनीति के सियासत के तराजू पे तौलोगे मेरे भाई? इसलिए बिल्कुल ईमानदारी से इन सारे विषयों पे आगे बढ़ना चाहिए था। इसको मैंने फिर कहा, सियासत के तराजू पे जाति देखकर, क्षेत्र देखकर मत करिए, ईमानदारी से उन सारी चीजों के लिए आगे बढ़िए। भंडारी चर्चा होगी तो दूर तलक जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ बिल्कुल दूर तलक जानी चाहिए, लेकिन सांसद महोदय अंकिता भंडारी का नाम भी अपने मुंह से नहीं ले पाए। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। अब चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। बिल्कुल बानों पर जाएंगे, इस पर जाएंगे, उस पर जाएंगे, अंकिता भंडारी का क्या हुआ उस पर एक शब्द नहीं बोले। ठीक है, अब बोलिए। हाँ मैं बताता हूँ, सुनिए, भंडारी का नाम बोलते तो समझ नहीं आता। सुनिए, मैं दर्शकों से कहता हूँ जाके देखो भाई, अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है फिर बांग्लादेश में चलेगा। भंडारी ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। मतलब जो वो कह रहे हैं अंकिता भंडारी पे बात करिए उस पे नहीं करेंगे, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हाँ वहाँ गलत हो रहा है। मतलब अपने पहले अपने देश में देखो, अपने देश के लोग कितने सेफ हैं, वहाँ नहीं देखेंगे, दूसरी जगह जाकर देखेंगे, हमें क्या मतलब उन देशों से। ये सुनता आलोक वर्मा जी काफ़ी अच्छे प्रवक्ता हैं, मुझे उनकी काफ़ी गोद मीडिया को भी अच्छे खासे धोते हैं, लेकिन जी जो बात कर रहे थे अच्छी कर रहे थे, लेकिन वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही कर रहे थे, वो जो उनका काम है। तो चलो वीडियो यहीं पे फिनिश होती है, कल फिर आपको मिलते हैं ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो पर।